अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कल हमने एक बेसिक कंपैरिजन किया था जिसमें फ़िटनेस लेवल को चेक करने के लिए, तो आज उसी ट्रेनिंग को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक मोमेंट से मीन टू से के वार्म अप से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद पांच बेसिक ट्रेनिंग्स को लेके चलेंगे आज एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स अ व्लॉग। तो सबसे पहले मैं आपको वेदर कंडीशन दिखा देता हूँ कि हर जगह जो है वो फॉग हुई हुई है। अभी थोड़ी देर में ये सारा एरिया कवर हो जाएगा फॉग से और ट्रीज़ भी जो हैं वो ऐसा ऐसा अपने पत्ते झाड़ रहे हैं। आपको पता है सर्दी के अंदर जो है वो इनके पत्ते झड़ जाते हैं। तो आज बेला साथ नहीं है, बेला को मैं घर छोड़ के आऊँ, कल उसने मुझे थोड़ा तंग करना शुरू कर दिया था। तो अब जो है स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेनिंग एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर ट्रेनिंग प्लेस। एक्सरसाइजेस अभी वार्म अप हमने कर लिया है, इसमें मैंने जंप्स, उसके बाद लो नीज की और उसके बाद जो है मैंने अपना सिंपल जो है वो लेग स्ट्रेचेस कर ली हैं, अपर बॉडी भी नॉर्मल से स्ट्रेच कर लिया। तो अब हम चलते हैं अपनी 5 बेसिक एक्सरसाइजेस की तरफ, जैसे कि हमने कल की थी
3 बेसिक एक्सरसाइजेज, लेकिन ये थोड़ी सी चेंज हैं, ठीक है। और ये एक्सरसाइजेज मोस्टली वेट लूज के लिए यूज़ की जाती हैं। तो वेन एवर यू गेट अ फ्री टाइम एट होम, जैसे ही आप अपने काम से वापस आएँ, थोड़ा सा रेस्ट करें, और उसके बाद आप अपने रूम में भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक्सरसाइजेस नहीं है, ठीक है। हर एक्सरसाइज के हम मिनिमम 12 रैप करेंगे, और अगर उससे ज़्यादा मैं कर पाया तो मैं करूँगा। आपसे जितने हो सकते हैं आप भी अपने घर पे इसको ट्राई करें। सो लेट्स मूव टू वर्ड्स द एक्सरसाइज। सो नंबर 1 एक्सरसाइज इज जंपिंग जैक। सिंपल है, बहुत से अभी आपको मैं करके दिखाता हूँ, आप भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, हर बच्चे को पता है। सो जंपिंग जैक जो है वो कम्बिनेशन है पूरी बॉडी का, इसके अंदर हम जंप्स भी करते हैं, अपने हैंड्स और लेग्स को मूव करते हैं। तो जंपिंग जैक्स बहुत अच्छी एक्सरसाइज है फॉर वेट लूज। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके बाद जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो है हमारा माउंटेन क्लाइंबर्स, ठीक है। सो वी विल गो इन पुशअप पोजीशन और उसमें हम माउंटेन क्लाइंबर्स करेंगे। इसमें दो फॉर्म्स हैं माउंटेन क्लाइंबर्स की, मैं आपको दोनों करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट जो है वो नॉर्मल बिगनर्स के लिए है, जिसके अंदर हम अपनी बॉडी को सिंपल 1 by 1 लेके चलते हैं, और सेकंड जो है वो थोड़ा सा एडवांस, इसमें हम थोड़ा सा उसको फास्ट करते हैं। तो मैं दोनों आपको करके दिखा देता हूँ। सो मूव टूवर्ड्स नाउ द क्लाइंबर्स, माउंटेन क्लाइंबर्स। सो हियर आई एम। सो जस्ट सिंपली गो इन अ पुशअप पोजीशन लाइक दिस। हम पोजीशन में जाएंगे, थोड़े से कंधे टाइप चुभ रहे हैं। सो विल गो बैक लाइक दिस। पहली है नॉर्मल स्टेट में, वो ये है कि हम सिंपल एक लगा के करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 40, 50. सो दिस वन इज द सिंपल माउंटेन क्लाइंबर्स। ये भी बहुत इफेक्टिव है आपके वेट लूज के लिए, आपके ऑब्लिक को भी ये कम करते हैं, और लोअर एब्डोमिनल्स को ये टारगेट करते हैं, आपके मसल बिल्डअप करते हैं लोअर एब्डोमिनल के लिए, आपकी हिप भी स्ट्रेंथन होती है, आपके थाइस भी स्ट्रेंथन होती है। तो अब हम करेंगे थोड़ा सा इसको फास्ट, और मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको 30 रैप्स के तक लेके चलूँ। तो लेट्स डू इट नाउ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, only 20 reps of mountain climber. So, relax your body, relax yourself. We just need to close our eyes and breathe in. That's it, simple. When you breathe in, आपके lungs को fresh oxygen मिलती है और आप जल्दी relax हो जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
So these are the side to side shuffle run. You can say it also a shuttle run also. So मेरा ख्याल है ये बहुत ज़्यादा स्पेस टेकिंग एक्टिविटीज़ नहीं है. आप इसे अपने रूम में भी कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ भी कर सकते हैं. और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो कि अगर मुझे कहीं कोई मिस्टेक करता देखे तो वो काइंडली कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ. बेसिकली आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए. अपने आप को मैं टीचिंग दे रहा हूँ और अपनी ये सारी जर्नी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. नेक्स्ट जो हमारी एक्टिविटी है दैट इज़ पुशअप बुरपेज. फर्स्ट ऑफ ऑल सिट डाउन लाइक दिस, प्लेस योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ यू, गो इन पुशअप पोजीशन एंड कम बैक अगेन एंड गेट अप. 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो भाइयों, वेट लूज करना इट्स नॉट सो इजी. इतनी आसानी से बॉडी नहीं बन जाती. सो वी आर नॉट डूइंग इट फॉर मेकिंग अ बॉडी, आई एम जस्ट डूइंग इट टू गेट माई सेल्फ फिट. सो इट्स अ सिंपल एक्टिविटी बट इट डिस्ट्रॉय योर स्टेमिना, इट्स डिस्ट्रॉय योर एब्डोमिनल एब्स. तो ये एक प्रॉपर सर्किट एक्टिविटी है जिसके अंदर हम अपने आर्म्स को, अपने लेग्स को, अपने एब्डोमिनल को, अपर लोअर बॉडी प्रॉपर जो है उसमें वर्कआउट करती है. इट्स अ परफेक्ट एक्सरसाइज टू वेट लूज. सो द नेक्स्ट वन इज इट्स एन एब्डोमिनल एक्टिविटी. सो जल्दी से हम करते हैं. इट्स ऑल्सो अ फ्लटर किक एक्टिविटी, तो हम फ्लटर किक्स की तरह ही इसको कंप्लीट करेंगे. We'll just place our hands under our hip like this. Just lay down back and lift your legs up like this. So like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, hey, difficult. So, do it a little bit more with wide angle. I guess 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. How? My. So, ladies and gentlemen, here I am with you with full sweating
इम्प्रूविंग माई सेल्फ विद माई लिटल एफर्ट्स. लेट मी टेक अ डीप ब्रीथ. सो आपके सामने है रिजल्ट्स. आपको मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले फॉग दिखा दी थी क्योंकि सर्दियों का आगाज़ हो रहा है और वेदर जो है वो ठंडा हो रहा है. इस ओपन ग्राउंड में विद अ लिटिल बिट कोल्ड वेदर सिर्फ इतनी सी एक्सरसाइज करके मेरी इतनी स्वेटिंग हुई है. सो जस्ट टेक इट विद यू. अगर आप इसे एक रूम में करते हैं तो आपको कितनी ज़्यादा स्वेटिंग होगी. सो आई एश्योर यू कि इफ़ यू गाइज डू दीज एक्टिविटीज़ फॉर वन मंथ ओनली, सिर्फ एक महीने के लिए आप ये एक्टिविटीज़ कर लेते हैं तो द रिजल्ट्स विल बी ट्रिमेंडस. आपको अनबिलीवेबल रिजल्ट्स मिलेंगे. आपकी बॉडी वेट जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. बट उसके लिए दो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, सिर्फ दो चीज़ें, ज़्यादा नहीं. नंबर वन, आप ये 5 एक्सरसाइजेस डेली रेगुलर बेसिस के ऊपर करते जाएं. जब भी आप अपने ऑफिस से वापस आएं, एक रूम में ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके 20 मिनट्स लेंगे तो 20 मिनट्स आपके लिए कुछ ज़्यादा नहीं होने चाहिए, आपकी बेटर लाइफ के लिए, आपके बेटर लाइफस्टाइल के लिए. एंड प्लीज़ डोंट इनटेक जंक फूड. जंक फूड से अपने आप को बचा लें और ये 5 एक्सरसाइजेज आप कंटिन्यू रखें तो इंशाल्लाह रिजल्ट्स आपके सामने होंगे. एंड यू विल रिमेंबर भी वन डे कि ये 5 एक्सरसाइजेज आपको बहुत बेनिफिट पहुंचा रही है. सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सॉरी कहना चाहता हूँ, मैं डेली लेट हो जाता हूँ और उसके बाद मुझे अंधेरे में वीडियो शूट करनी पड़ती है. सो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक इजाज़त दीजिए. अल्लाह निगहबान.